लॉकडाउन के कारण पिछले 2 महीनों से सिनेमा घरों में ताले लगे हुए हैं और अभी कई महीनों तक थिएटर को चालू करने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में कई फिल्मों के रिलीज भी रुक गए हैं, इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों को रिलीज करते दिख रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म धूमकेतु की चर्चा काफी समय से हो रही थी और अब मेकर्स ने इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज करने की जगह OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैसला किया है। फिल्म को Zee5 पर 22 मई को रिलीज किया जाएगा। इस बात की जानकारी फिल्म के एक दमदार पोस्टर को रिलीज करके दी गई है। फिल्म में अनुराग कश्यप, इला अरुण, रघुवीर यादव, स्वानंद किरकिरे और रागिनी खन्ना अहम रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा नवाज का फिल्म में लीड रोल होगा। फिल्म में कैमियो रोल के लिए अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा, चित्रांगदा सिंह, लॉरेन गॉटलिप और फिल्मकार निखिल अडवाणी भी एंट्री करेंगे। वहीं इतने सारे सुपरस्टार की फिल्म को देखने के लिए फैंस भी काफी उत्साहित हो गए हैं। फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हुए नवाज ने कहा है, धूमकेतु की कहानी बेहतरीन है जो जनता को जरूर एंटरटेन करेगी। लॉकडाउन के समय में मुझे खुशी है कि हमारी कॉमेडी फिल्म को लोग अपने परिवार के साथ Zee5 पर देख सकेंगे। आपको बता दें, धूमकेतु एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक राइटर की भूमिका निभा रहे हैं जो मुंबई शहर में कामयाबी पाने के लिए स्ट्रगल करते दिखेंगे और अनुराग कश्यप इस फिल्म में पुलिस वाले बने हैं। वहीं अनुराग कश्यप ने एक्टिंग के साथ साथ फिल्म का निर्देशन भी किया है।